हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, वो भी कुकर में, बहुत ही जल्दी और उतना ही डिलीशियस। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। जब भी जल्दी में कोई सब्जी बनाना हो, अगर पनीर का बनाना हो, तो आप इस तरीके से बनाइए। जल्दी भी बनेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और उतना ही टेस्टी बनेगा। ऐसे ही इजी, डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बनने वाला पनीर का सब्जी बनाना। इसके लिए हमने कुकर को गर्म किया है, उसमें 1 टीस्पून बटर डालेंगे। अब थोड़ा सा जब बटर मेल्ट हो जाए, फिर उसमें हम पनीर डालेंगे। 200 ग्राम पनीर है, जिसको थोड़े मीडियम साइज़ के क्यूब में मैंने कट कर लिया, और एक शिमला मिर्च। इसको हल्का सा सैलो फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर, बस 1 मिनट के लिए। बस ये हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसी में हम 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, सूखी लाल मिर्च डालेंगे 2। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट ये वाला मिर्च डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस वाले सब्जी में। और 4 से 5 लहसुन की कली, ऐसे ही मैंने बीच से बस कट कर दिया है, और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको ऐसे ही रफली मैंने चॉप कर लिया है, उसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम ही रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा और इसको और फ्राई करना है। बस ये हो गया है, अब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। रेशियो ऐसे ही रखना है, 2 प्याज और 1 टमाटर। अब जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। अभी हम नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाएगा। नमक आप जितना सब्जी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डालिए। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने मीट मसाला डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाला है बस कलर के लिए। आप मीट मसाला इसमें ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और 2 सीटी आने तक इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं सीटी लगाना है इसमें, बस 2 विसिल आने तक ही इसको कुक करना है। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। देखिए ये कितने अच्छे से इसका प्याज और टमाटर गल चुका है। अब इसको हम पोटैटो मैशर से हल्का सा मैश कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका ग्रेवी बहुत ही थिक बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप ऐसे ज़रूर इसको मैश कीजिए। उसके बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम पनीर और जो शिमला मिर्च हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद थोड़ी देर और इसको कुक करना है, बस 2 से 3 मिनट ही, बहुत ज़्यादा देर नहीं। देखिए इसका ग्रेवी कितना टेस्टी बना है, देखने में ही लग रहा है कितना टेस्टी है ये, और सच में बहुत टेस्टी बना था। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। अब अदरक डाल देंगे इसमें, ऐसे लंबा कटा हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अदरक नहीं डाला था, तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, बट ऐसे डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस अब हरा धनिया डालिए, सब्जी बन गया है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये सब्जी बन गया, बहुत ही जल्दी। अब सुबह में भी ये बहुत जल्दी बना सकते हैं, ये सब्जी को उतना ही टेस्टी होता है, सबको पसंद आएगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसका कलर ही लग रहा है कितना टेस्टी बना है, सच में बहुत टेस्टी बना था ये सब्जी।
तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।